बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार से झटपट और बच्चों की फेवरेट पोटैटो फिंगर बनाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं और इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं कि बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो फिंगर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाँच सौ ग्राम आलू ले लिए, इसे उबाल कर छील लिया था मैंने। एक अदद लेमन जूस, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज एक अदद छोटी बारीक चॉप कर लें, कुटी हुई लाल मिर्च पौने ना हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक वन टी स्पून यह हसब ज़रूरत, भुना कुटा हुआ धनिया वन टी स्पून, भुना कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून और चाट मसाला वन टी स्पून। सबसे पहले उबले हुए आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, या आप हाथों से भी बारीक मसल सकते हैं। ये देखें तमाम आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया। अब इसमें हम तमाम मसाले शामिल करते जाएंगे। तमाम ड्राई मसाले हमने शामिल कर दिए और इसमें लेमन जूस ये भी शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज बारीक चॉप की भी ये भी शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू में तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम मैदे का बैटर बना लेंगे। हाफ कप मैदा ले लिया, इसमें वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ये शामिल कर देंगे, वन टीस्पून नमक ये भी डाल दिया और दखनी मिर्च या वाइट पेपर हाफ टी स्पून ये भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। वाइट पेपर के बजाय कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी हम शामिल करते जाएंगे और एक थिक सा बैटर हम बना लेंगे। ये देखें मैदे को पानी डालकर हमने अच्छी तरह से हल कर लिया। और ये मैदे का बैटर हमें इतना ठीक रखना है। अब हम डबल रोटी के स्लाइसिस को सिंगल लेयर में रखते जाएंगे। सिंगल लेयर में हमने स्लाइसेस रख दी। अब इसमें हम पोटैटो का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो इस पे लगाते जाएंगे। तमाम स्लाइसेस पर हम पोटैटो का मिक्सचर लगा लेंगे। तमाम स्लाइसेस पे हमने पोटैटो का मिक्सचर लगा लिया। अब तमाम स्लाइसेस को हम फिंगर की शेप में काट लेंगे। तमाम स्लाइसेस को हमने फिंगर की शेप में काट लिया। अब जो मैदे का थिक बैटर बनाया था वो ले लेंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स ये भी ले लेंगे।
अब स्लाइस की एक एक फिंगर उठाते जाएंगे और इसे मैदे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर अच्छी तरह से रखते जाएंगे हम। दूसरी भी पोटैटो फिंगर ऐसे ही हम रेडी करेंगे, मैदे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स का कोट लगा लेंगे। स्लाइस के ही मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तमाम पोटैटो फिंगर मैंने ऐसे तैयार कर लिए। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा तो पोटैटो फिंगर इसमें डालते जाएंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम पलटेंगे। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसे हम एक एक करके पलटते जाएंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ से हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी करारे बच्चों के फेवरेट और झटपट बनने वाले पोटैटो फिंगर हमारे रेडी हैं।